स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के एक कमाल से एपिसोड में, जिसमें दोस्तों मैं आज बहुत ही कमाल की ही टेक न्यूज के बारे में ही बात करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो अपडेट निकल के आता है, मैं आपसे अगर बात करूं, मतलब हमारे पास जो है सैमसंग गैलेक्सी की हमारे पास जो है स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी A82। दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं इसी की स्पेसिफिकेशन के बारे में, दोस्तों मतलब हमारे पास जो पहला ऐसा स्मार्टफोन रहने वाला है जो की होगा एक तो एक मतलब 5G फोन, और इसके साथ ही फ्लिपिंग कैमरा हमारे पास जो इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। मतलब आपका जो रियर कैमरा होगा वही आप बना सकेंगे, मतलब फ्रंट कैमरे को भी, मतलब आप जब यूज करेंगे अपने फ्रंट कैमरे को, उस मोड को जब आप ऑन करेंगे तब होगा क्या, जो आपका रियर कैमरा है वही जो है फ्लिप करके आपको जो है फ्रंट में आपको दिखाई दे देगा। जैसे कि दोस्तों मतलब होगा क्या, हमारे पास जो इक्वल क्वालिटी के हमारे पास जो है फोटोज निकल के आ जाएंगी, चाहे वो एक सेल्फी या फिर होगा एक फ्रंट कैमरे से खींची हुई फोटो। दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं इसी के कैमरे के बारे में, तो दोस्तों हमारे पास जो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हमारे पास जो देखने को मिल जाता है, और मैं आपसे अगर बात करूं 8 मेगापिक्सल का प्लस में हमारे पास जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों डेप्थ फील्ड ऑफ व्यू मतलब हमारे पास जो है काफी एकदम बड़े ही 3D एक लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास जो है देखने को मिल जाता है। इसके कैमरे के बारे में मतलब दोस्तों कैमरा मतलब अच्छा निकाला गया है सैमसंग की तरफ से, मतलब फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास जो एक अच्छा सा देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों देखने ये रहता है कि क्या हमारे पास जो इसका प्राइस रहती है, और देखते हैं कि कब तक हमारे पास जो ये फोन लॉन्च हो जाएगा। अब दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आता है वो हमारे पास तो कुछ Xiaomi Mi 12, Huawei Mate 50 Pro और iPhone 12s Pro, iPhone 12s Pro Max, मतलब और भी तरीके के हमारे पास जो स्मार्टफोन ऐसे निकल के आएंगे जिसमें कि आप देख पाएंगे LTPO टाइप की डिस्प्ले। दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं मतलब हमारे पास काफी एक अच्छा एडवांटेज पॉइंट हमारे पास जो देखने को मिल जाता है इसी की स्क्रीन को लेकर। दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं मतलब हमारे पास जो कई सारे फोन्स में हमको जो है फ्यूचर में मतलब इसी साल में बेसिकली हमको जो है देखने को मिलने वाले इसी डिस्प्ले के टाइप के हमारे पास कुछ फोन्स। दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूं ओप्पो फाइंड एक्स 3, रेड फ्लिप 3 सैमसंग का, जेड फोल्ड 3 सैमसंग का ही, और जो मतलब आईफोन 12s प्रो, आईफोन 12s प्रो मैक्स, और जो मतलब Huawei Mate 50 प्रो, मतलब बहुत सारे हमारे पास जो ऐसे स्मार्टफोन निकल के आए हैं जिसमें कि हमको पता चलता है कि हमारे पास जो इस साल के अंदर LTPO टाइप की डिस्प्ले हमारे पास जो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो LTPO डिस्प्ले हालांकि है कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना, लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर भी बता ही देता हूँ कि इस LTPO की डिस्प्ले के बारे में। अब दोस्तों पहले आप तो भैया जान ही लीजिए कि हमारे पास जो डिस्प्ले है मतलब एक इसका एक्सपेंसिवनेस भी हमारे पास जो निकल के आती है, मतलब काफी एकदम एक्सपेंसिव हमारे पास जो डिस्प्ले निकल के आती है। और इसका फायदा कि मैं आपसे अगर बात बता दूं मतलब हमारे पास जो पावर कंजप्शन जो बैटरी की है काफी कम देखने को मिल जाती है। तो मैं आपसे अगर बात करूं मतलब आप जो है एक लाइव एग्जांपल ले लीजिए, आपको देखने को मिल ही गया था मतलब कुछ दिन पहले सैमसंग S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन। तो मैं आपसे अगर बात करूं हमारे पास जो है 120 हर्ट्ज का हमारे पास जो है एडेप्टिव रिफ्रेश रेट हमारे पास जो निकल के आया है। तो इसमें होगा क्या, आप जो है मतलब अगर मान लीजिए आप कोई वीडियो कंटेंट यूज कर रहे हैं मतलब एंजॉय कर रहे हैं जो कि एक सपोर्ट करता है 10 हर्ट्ज का, अगर दोस्तों आपका जो फोन है उसमें LTPO नहीं होगा तो उसमें होगा क्या, दोस्तों अगर आपका जो है फोन सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज का तो उसमें होगा क्या, हमारे पास जो है पावर कंजप्शन ऑफ बैटरी की काफी हाई देखने को मिलेगी। मतलब वो जो है 10 हर्ट्ज की तो वीडियो है लेकिन भैया चला तो वो रहा है 120 हर्ट्ज के साथ। दोस्तों मतलब मैं आपसे बात करूं सैमसंग S21 अल्ट्रा के वेरिएंट में हमारे पास जो क्या निकल गया, मतलब आप जो है अगर वीडियो कंटेंट को यूज कर रहे हैं 10 हर्ट्ज तक का तो उसमें होगा क्या, आपको जो रिफ्रेश रेट है वो नीचे आ जाएगा 10 हर्ट्ज तक, जिससे कि आपकी जो है बैटरी पावर कंजप्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो मतलब काफी एडवांटेज देखने को मिलता है इसकी बैटरी को लेकर भी, और मतलब काफी मतलब एक एक्सपेंसिवनेस भी हमारे पास जो देखने को मिल जाती है जैसे कि टाइप के वेरिएंट में। और जो यही कारण रहा था हमारे पास जो मतलब पिछले साल ये इस टाइप के फोन ज्यादातर देखने को नहीं मिले थे, लेकिन हाँ भैया इस साल तो भैया क्या ही धूम मचा रखी है हमारे पास प्राइस ने, बहुत ही मतलब महंगे महंगे हमारे पास जो कुछ फोन देखने को मिल चुके हैं। तो भैया LTPO टाइप की क्या डिस्प्ले हमारे पास लगानी ना रहे, तो मतलब इस साल हमारे पास जो है LTPO टाइप की हमारे पास जो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो सर अगर बात करूं हमारे पास जो इसकी फुल फॉर्म निकल के आती है वो हमारे पास आती है कुछ लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड। अब दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आता है वो हमारे पास मोटोरोला एज ऐसे स्मार्टफोन को लेकर। तो मैं आपसे अगर बात करूं हमारे पास जो लास्ट ईयर जो वेरियंट निकल के आया था वो हमारे पास आता है कुछ मोटोरोला एज प्लस प्लस करके। तो मैं आपसे अगर बात करूं हमारे पास जो इस साल हमारे पास जो देखने को मिलने वाला है कुछ जल्द ही, मतलब हमारे पास जो लॉन्च डेट इसकी देखने को मिल चुकी है कुछ 26 जनवरी को, मतलब 7:30 बजे के शाम के करीब हमारे पास जो इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है। और मैं आपसे अगर बात करूं छोटी इसी की स्पेसिफिकेशन के बारे में, सो हमारे पास जो क्वाड कैमरा सेटअप हमारे पास जो देखने को मिल जाता है इसी के कैमरे को लेकर, और भी कई सारे मतलब बहुत सारे मतलब मल्टीपल कलर वेरिएंट हमारे पास जो इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपसे अगर बात करूं हमारे पास प्रोसेसर के बारे में, चिपसेट के बारे में, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 870G का हमारे पास जो प्रोसेसर में अवेलेबल रहेगा। और मैं आपसे अगर बात करूं स्नैपड्रैगन 888 के प्रोसेसर के बारे में, तो मतलब इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है 870 और 888 के प्रोसेसर के अंदर।
मतलब थोड़ा सा ही हमारे पास जो है एक 888 जो है थोड़ा सा ही हमारे पास एक बढ़कर निकल के आ जाती है इसके कुछ पॉइंट्स। और उसमें मैं आपसे अगर बात करूँ 865 प्लस की तो मतलब उसमें मतलब थोड़ा सा कम हमारे पास जो देखने को मिल जाता है। मतलब 870G का जो प्रोसेसर है काफी एकदम अच्छा देखने को मिल सकता है, काफी एकदम बढ़िया ही तरीके का फ्लैगशिप फोन हमको जो है मोटोरोला एस का हमारे पास जो है एक वेरिएंट निकल के आ सकता है 26 जनवरी को। अब दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आता है वो हमारे पास है तो शाओमी को लेकर। दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूँ हमारे पास जो कुछ बैंड की डिटेल हमारे पास कुछ निकल के आई है, मतलब आपने देखा ही होगा कि अभी तक तो हमारे पास जो लेटेस्ट की मैं आपसे अगर बात करूँ बैंड 5 हमारे पास जो देखने को मिल रहा था, तो भैया अब जो है वेट खत्म हो चुका है, 6 हमारे पास जो है निकल के आ चुका है एमआई बैंड 6। तो मैं आपसे बात करूँ बहुत सारी हमारे पास कुछ फीचर जो है इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैं आपसे दोस्तों बात करूँ हमारे पास जो है काफी सारी एकदम बढ़िया ही तरीके की बढ़िया लेवल की हमारे पास जो है एनिमेशन देखने को मिल सकती है। और मैं आपसे अगर बात करूँ कई सारे मतलब बहुत ही ज्यादा हमारे पास एकदम भर भर के हमारे पास जो है इसके अंदर फीचर देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपसे अगर बात करूँ मतलब स्क्रीन में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे हमको, मतलब जैसे कि हमको देखने को मिला था जो एमआई बैंड 5 की स्क्रीन साइज में वही साइज का हमारे पास शायद जो है एमआई बैंड 6 को यूज करने वाला है। और उसे देखते हैं कि कब तक हमारे पास ये बैंड लॉन्च हो जाता है। मतलब काफी एकदम अच्छे फंक्शन देखने को मिल सकते हैं, काफी मतलब यूनिक से हमारे पास जो है, मतलब आप दोस्तों ये मान लीजिए कि हमारे पास हमारे लाइफ स्टाइल में जो भी चीज मतलब एक्टिविटी होती है उनको मतलब एकदम कंबाइन करके मतलब उन सबको एनालाइज करने के लिए, उन सबको मेजरमेंट करने के लिए काफी सारे उसी तरीके के हमारे पास जो फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपसे अगर बात करूँ अपग्रेड लेवल का हमारे पास जो है एक अवेलेबिलिटी मिल जाती है। जैसे दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूँ मतलब बहुत सारे ऐप होते हैं मतलब जिनके हमारे पास जो नोटिफिकेशन आते हैं हमारे फोन में। अब दोस्तों इसमें होगा कि मतलब आप जो नॉर्मली बैंड लेते होंगे तो उसमें क्या होता होगा कि हमारे पास जो है मतलब एप्पल की मैं आपसे अगर बात नहीं कर रहा भैया, उससे थोड़ी बहुत नीचे की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो बैंड निकल के आते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, मतलब बहुत सारे ऐसे एप्स निकल के आते हैं जिनके नोटिफिकेशन वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, जिनके वो नोटिफिकेशन रिंग ही नहीं कर पाता। दोस्तों मैं आपसे अगर बात करूँ हमारे पास जो कई सारे मतलब बहुत ही सारे हमारे पास जो है इस बैंड के अंदर एप्स की मतलब हमारे पास जो है रिंग देखने को मिल सकती है, नोटिफिकेशन हमारे पास जो देख रहे हो मिल जाएगा। तो मैं आपसे अगर बात करूँ मतलब बहुत ही सारा मतलब एक अच्छा सा मतलब एक काफी अच्छा फ्लैगशिप सा भी हमारे पास जो है बैंड देखने को मिल जाएगा। और जो देखते हैं कि हमारे पास जो इसका बैंड जो कितनी पावर बैकअप हमारे पास जो है एमआई बैंड 6 लेकर आ जाता है। अब दोस्तों अगला जो अपडेट निकल के आता है दोस्तों वो हमारे पास वीवो की तरफ से। तो मैं आपसे बात करूँ हमारे पास जो रिवील ऐसे निकल चुके हैं S70 स्मार्टफोन को लेकर। तो मैं आपसे अगर बात करूँ हमारे पास जो है डायमेंसिटी हमारे पास इसके अंदर देखने को मिल सकती है 820 की। तो मतलब अच्छा खासा चिपसेट हमारे पास जो देखने को मिल जाएगा इसी के अंदर 6.44 इंच की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले हमारे पास जो देखने को मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमारे पास जो है स्कैनर देखने को मिल जाएगा जो कि मतलब एक काफी मतलब फ्लैगशिप से रहने वाला है स्कैनर भी। और उसमें मैं आपसे अगर बात करूँ 4000 mAh की हमारे पास जो बैटरी बैकअप निकल के आता है, खैर हालांकि कम है मतलब 4000 से ज्यादा ही हमारे पास जो है 10,000 के बजट में हमारे पास जो है काफी मतलब 5000 तक ही हमारे पास जो है रेंज पहुंच जाती है। खैर देखते हैं कि हमारे पास जो क्या ही हमारे पास जो इसकी प्राइस निकल के आती है, मेरे ख्याल से शायद महंगा भी हमारे पास जो देखने को मिल सकती है क्योंकि भैया FHD डिस्प्ले हमारे पास देखने को मिल रही है एमोलेड। हाँ अगर अच्छा सा मतलब एक बजट 10,000 के अंदर देखने को मिल गया ये फोन तो भैया क्या ही कमाल का रहने वाला है हमारे पास ये फोन है। और उसमें आपसे अगर बात करूँ हमारे पास जो है पेंटाकोर माली G57 का GPU के सपोर्ट के साथ मतलब काफी एकदम बहुत ही अच्छा सा हमारे पास जो गेम प्ले निकल के आएगा, गेम प्ले एक्सपीरियंस जो है काफी ही इंटरेस्टिंग सा निकल के आ ही जाएगा इसी फोन को यूज करते वक्त। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट जो है लेकर आता ही रहूंगा। तो कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना तो बिल्कुल बिना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।